बात करेंगे अहम खबर की, जहां दिल्ली में सीएम परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है और बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुड गवर्नेंस पर फोकस रहेगा और बैठक में राज्यों के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी जो ये बैठक आयोजित की गई है पार्टी की तरफ से, उस पर राज्य स्तर पर जो तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्था और किस तरह से कर रही है काम बीजेपी शासित राज्यों की सरकार, इस पर भी बातचीत होगी और क्षेत्र के विकास, राज्यों के विकास और संगठन के स्तर पर काम को लेकर यहां चर्चा की जा रही है। और आज के एजेंडों की यदि बात करें तो प्रदेश स्तर पर आगामी चुनावों को लेकर, संगठन के विस्तार को लेकर और संगठन की कार्य योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पर पहुंचे थे। सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का ये दूसरा दिन है। पहले दिन करीब 3.5 घंटे ये बैठक चली थी और अब आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। समय क्या तय किया गया है ये भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बीते रोज जिस तरह से नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और उसके बाद अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संगठन स्तर पर बैठक लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी के कार्यालय। इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले नीति आयोग की बैठक में दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और आज बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता खुद करेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होने के लिए जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चले हैं। दरअसल इंदौर उज्जैन में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इंदौर उज्जैन जबलपुर में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। शहडोल रीवा सागर में बहुत भारी बारिश के आसार हैं और कई जिलों में इस वक्त बाढ़ के से हालात है। और कांकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। दरअसल अंतागढ़ कोयली बेड़ा और पखांजुर ब्लॉक के गांवों का संपर्क टूट गया है मुख्यालय से। उफनते नदी नालों पर जोखिम उठाते लोग नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि जोखिम उठाने का कारण कि उन्हें यहां पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। सड़क मार्ग, पुल, पुलिया जैसी जो परिस्थितियां हैं वो इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि वो इस तरह से उफनते नदी नालों को पार करें। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कांकेर से सामने आई, जहां पर कांकेर में जोखिम उठाते लोग नजर आए हैं। उफनते नालों को लोग पार कर रहे हैं। कांकेर में नदी नाले भी उफान पर हैं ही और ऐसे में लोग रास्ता पार करने के लिए उन नदी नालों के बीच से होकर गुजर रहे हैं।
जो एक बड़ी और गंभीर चिंता बना हुआ है। दरअसल बारिश और नदी नालों के उफान पर आ जाने की वजह से एक और गंभीर परेशानी और तस्वीर सामने आई, जहां अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी हुई एक गाड़ी उफनती नदी को पार करती नजर आई। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले ड्राइवर का इस पर दिमाग चला नहीं या फिर उसने विचार किया नहीं, विवेक का इस्तेमाल किया नहीं, ये गंभीर प्रश्न है। चूँकि जिस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, गाड़ियां बाइक्स के बह जानों की घटनाएं कई सामने आ चुकी हैं और उसके बावजूद ये हरकत बच्चों की जान के साथ खिलवाड़। दरअसल मुंगेली में नाले का पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बता दें कि पुल की मरम्मत नहीं हुई और घोरपुरा के रजपुरा के बीच नाले का पुल टूट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है और किसी भी वक्त ये हादसा हो सकता है। गरियाबंद में बारिश से हालात बेहद खराब हो चले हैं और ऐसा ही एक मामला तस्वीर सामने आई, जहां उफनती नदी में शव यात्रा निकालने को लोग मजबूर हो गए। ग्रामीण एक शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे और अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते नजर आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे भी जाम किया जा चुका है, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव ले जाने को मजबूर है। नदी में रात को अचानक बाढ़ आया, जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लिए लेके नहीं जा सके, जिसकी वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, चाहे जैसा भी करके। चलिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शेख इमरान, इस वक्त गरियाबंद से मौजूद है। तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए, शैलेंद्र चौहान भोपाल से इस वक्त अपडेट देंगे और शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं भोपाल, जहां शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, बारिश लगातार जारी है और आज भी मध्य प्रदेश में करीब 23 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 22 से 23 जिलों में अलर्ट का मतलब है कि मौसम बिगड़ने वाला है। जी आशीष, देखिए पूरा मध्य प्रदेश में बहुत ही मजबूत मानसून का सिस्टम बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर एरिया जो बना, उसी कारण मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर मौसम विभाग ने भी 40 जिलों में अलर्ट जारी किया है। यहां पर अलर्ट के साथ ही एहतियात बरतने को कहा गया। अगर बात की जाए तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल और जितने भी बड़े अंचल है, उज्जैन हो, विदिशा हो, यहां पर सभी जगह पर लगातार बारिश हो रही है। बेतवा नदी उफान पर है, नर्मदा नदी में भी वेग काफी ज्यादा है, उज्जैन में शिप्रा नदी में भी काफी ज्यादा तेज प्रवाह है। तो कहीं ना कहीं सभी नदियां भी अब लगातार जल स्तर के आसपास पहुंच रही है, जो उच्च जल स्तर है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसा खतरा भी मंडराया हुआ है और उसी को लेकर एहतियातन सभी SDRF की टीमें सक्रिय हो चुकी है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने भी आने वाले 48 घंटे भारी वर्षा की चेतावनी दी है, बड़ा अलर्ट दिया है और उसी के मद्देनजर प्रशासन और सरकार भी उपायों में जुटी हुई है। अगर बात की जाए भोपाल में, तो यहां पर सुबह से तेज बारिश हो रही है, अभी भी लगातार बारिश का दौर जारी है। यहां का जो भोपाल का बड़ा तालाब है, वो अपने जो लेवल है, हाई लेवल, उस तक पहुंचने में अब केवल 2 फीट पानी बाकी है। तो निश्चित ही सभी जगह पर, भोपाल हो या बाकी आसपास के जितने भी कोलार, कलियासोत डैम हो, सभी लबालब है और अब एहतियातन सबसे ज्यादा चिंता यह सता रही है कि बारिश के और हालात अगर बिगड़ते हैं तो किस तरह उन पर काबू पाया जाए। इसी को लेकर SDRF टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सभी अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, तनु के पास चलेंगे रायपुर, जहां पर इस वक्त बारिश जो है छत्तीसगढ़ में भी अपना पूरा असर दिखा रही है। तनु, क्या स्थिति है, मौसम विभाग की तरफ से क्या है पूर्वानुमान?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में जो है नदी नाले उफान पर है तो कहीं पर पुल ढह गए हैं। इसके अलावा साथ ही कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज भी अच्छी बारिश के जो है वो आसार हैं और अगले दो दिनों तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का जो दौर है वो चलते रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में लो सिस्टम प्रेशर जो है वो बना हुआ है और जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इसका ज्यादा प्रभाव जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को जो है पार कर रहे हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज यू ही बना रहेगा। राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और सुबह हल्की बूंदाबांदी का दौर भी जो था वो जारी था। इसके बाद कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में या शाम तक फिर राजधानी रायपुर में भी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिले। वहीं लगातार हो रही बारिश से राजधानी रायपुर के खारून नदी में भी जो है वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है और इसके साथ ही आसपास के जितने भी एरिया में नदी नाले हैं उनमें वाटर लेवल जो है बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस माह में जितनी बारिश होनी थी उससे ज्यादा बारिश इस बार जो है वो हुई है। इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जो है जताई है। फिलहाल मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। इसके साथ ही पहले मानसून की रफ्तार छत्तीसगढ़ में धीमी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब लगातार सभी इलाकों में मानसून एक्टिव हो गया है, तो ऐसे में लोगों को राहत तो मिली है लेकिन लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन भी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। प्रभावित है नर्मदापुरम भी इस बारिश के असर से। शैलेंद्र गौरव के पास चलेंगे, उसके बाद इमरान भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल अभी क्या स्थिति है, क्या बारिश अभी भी हो रही है? के हालातों की यदि बात की जाए तो जुलाई के माह की जो एवरेज बारिश है वो पहले ही दर्ज की जा चुकी है और 5 दिन तक तकरीबन मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। बरगी डैम प्रबंधन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, वहां भी डैम का जो लेवल है वो पूरा होने वाला है, वहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। तवा का गवर्निंग लेवल भी तवा डैम प्रबंधन मेंटेन कर रहा है और वहां से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि यदि जुलाई माह का गवर्निंग लेवल पहले ही पूरा हो जाता है तो डिस्चार्ज किया जाएगा। नर्मदा के जलस्तर की बात की जाए तो 945 फीट पर इस समय नर्मदा का जलस्तर है और तवा 1151 फीट के गवर्निंग लेवल पर मेंटेन किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही 4 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि पिपरिया के नंदवाड़ा में जो है वो बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं वो बहती नदी पार कर रहे थे। हालांकि प्रशासन ने न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद वहां पर दोनों छोर पर बाढ़ लगाकर उसे बंद कराया है। इसके अलावा बारिश की बात की जाए तो फिलहाल रिमझिम बारिश जो है वो लगातार जारी है और आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। यदि शहर की बात की जाए तो जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार जल भराव की समस्याएं बन रही हैं और लोग जो है बारिश से प्रभावित, जनजीवन जो है वो प्रभावित हो चुका है बुरी तरह से। बिल्कुल, और अभी स्थिति गरियाबंद में कैसी है? चलेंगे इमरान के पास, हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, मौसम लगातार अपना असर दिखा रहा है और आपके आसपास भी जो तस्वीरें दिख रही हैं थोड़ी बहुत उससे अंदाजा लग रहा है कि आप भी इस वक्त बारिश की छींटों में, बारिश की बूंदों के नीचे ही खड़े हैं। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ 48 घंटे हो चुके हैं लगातार बारिश यहाँ मूसलाधार हो रही है और इस बारिश से जो छोटे नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और अब लगातार बारिश होने से कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिली। गरियाबंद के मैनपुर कला में हमने देखा कि किस तरह ग्रामीण जो है अर्थी को उफनती नदी में पार करते दिखे और शमशान घाट ले जाना पड़ा उनको, क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पर नदी में बाढ़ आ गया। इस वजह से ग्रामीणों को जब गाँव में एक निधन होता है तो अर्थी को उफनते नदी में पार करते हैं ग्रामीण, जो लगातार जो है नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर चुके हैं पुल निर्माण की बात को लेकर। और वहीं अगर बात करें तो कई इलाकों में बाढ़ आने की वजह से नदी नाले उफान पर है तो स्कूली बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर तमाम इलाकों में अलर्ट तो जारी कर दिए हैं लेकिन कई जगहों पर बल तैनात है, कई जगहों पर बल तैनात नहीं है। वहीं मैनपुर कला में जो तस्वीर देखने को मिला ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े करता है, सिस्टम को फैल कर देने वाला ये सवाल खड़े करता है। वहीं किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए राहत की बात है क्योंकि उनकी किसानी कार्य शुरू हो गए हैं तो ये पानी उनके लिए फायदेमंद है लेकिन कुछ इलाकों के लिए ये मुसीबत बनकर टूट रही है। कई घरों में पानी घुस गया है और कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग जो है अपने गांव, लोगों के गांव जो है टापू में तब्दील हो गया है तो ये बारिश जो है कई लोगों के लिए मुसीबत बनकर भी अब बरस रही है। और लगातार बारिश होने की वजह से जो तापमान में है वो गिरावट आई क्योंकि कुछ दिन पहले उमस थी और उस उमस से लोगों को राहत तो मिली है
लेकिन कई लोगों को मजबूर होना पड़ गया नदी को पार करने के लिए, क्योंकि उनके गांव आने जाने के लिए जो नदी है वहां पुल नहीं बना है। तो तमाम तरह की समस्याएं इस बारिश में देखने को मिल रही है और लगातार आशीष इस क्षेत्र में बारिश हो रहा है और नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। जिला कलेक्टर ने भी अपील किया है, बावजूद कई इलाकों से ऐसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रहा है। जी आशीष, निश्चित रूप से इमरान, लगभग सभी जगह ये स्थिति है कमोबेश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें और ये डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर भोपाल से, जहां छोटा तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत पाई गई हैं। पानी में हुए तापमान के बदलाव से मछलियों की मौत हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही लगातार हो रही बारिश से पानी का टेम्परेचर बदल रहा है और तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी की आशंका है। तालाब के बाहर बहकर आई हुई मरी हुई मछलियां आप तैरती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको, और अंदाजा आप लगाइए कि यहां पर क्या स्थिति बन रही है। और अभी जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि जो समस्या है ये गंभीर है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अभी तक कारण जो स्पष्ट हुआ है वो टेम्परेचर में आए बदलाव को माना जा रहा है। हालांकि टेम्परेचर का ये बदलाव इन मछलियों के जीवन पर भारी पड़ा और तालाब में पानी में ऑक्सीजन की कमी आशंका इसकी भी है। और कोंडागांव में एक झोपड़ी गिर जाने की वजह से एक मासूम की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से यह झोपड़ी गिर गई और हादसे में 1.5 साल के एक मासूम की जान चली गई। फरसगांव क्षेत्र के झाकरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और इस हादसे में फरसगांव क्षेत्र के झाकरी गांव का यह जो पूरा मामला जिसमें झोपड़ी गिरने की वजह से मासूम की मौत हो गई। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में एक मासूम इसकी भेंट चढ़ गया। दुखद मामला कोंडागांव से सामने आया, जहां झोपड़ी गिर जाने की वजह से मासूम इसकी चपेट में आ गया और उसकी दुखद मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश इसका कारण बनी और ये झोपड़ी जो काफी पुरानी हो चुकी थी, हालांकि दीवार उसकी पक्की बनाई गई थी, लेकिन भारी बारिश का यह असर झोपड़ी के छप्पर पर पड़ा और जो बची हुई कच्ची दीवारें थी या जो तोड़ करके बनाई गई दीवारें थी वो बारिश का वेग नहीं सह सकी और धराशायी हो गई। इस दौरान इस हादसे में एक मासूम बच्चा इसके चपेट में आ गया जिससे इसकी मौत हो गई। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। विवेक, कब की ये दुर्घटना है? देखिए, ये लगातार जो इलाके में बारिश हो रही है तो अंदरूनी इलाके में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है या कहें कि बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये कल की घटना है, कल लगातार जिस तरीके से पखवाड़े भर से बारिश हो रही है तो ये फरसगांव का अंदरूनी इलाका है, उरंदा बेड़ा जहाँ के झाकरी गाँव का मामला है, जिसमें 3 बच्चे घर से लगे हुए बाड़ी में आग ताप रहे थे झोपड़ी में बैठकर, और उसी दौरान अचानक ये झोपड़ी गिर गई जिसमें 1.5 साल का मासूम की चपेट में है, उसकी मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे और थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको जिला अस्पताल फरसगांव के अस्पताल में लाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर राजस्व विभाग भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा क्योंकि गांव तक पहुंचने की स्थिति भी नहीं है और राजस्व हमला पूरे मामले की जाँच कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 13 से 14 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल कोचिंग सेंटर में भरा पानी निकालने का काम जारी है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार करीब शाम 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी और बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं।
और आपको बता दें ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ। कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में बना हुआ था और बने हुए इस कोचिंग सेंटर में व्यवस्थाएं नहीं थी और जिसकी वजह से पानी भरने पर यहां जो करीब 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ था उस पानी को निकालते रेस्क्यू करते काफ़ी देर हो गई और तब तक 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर अपने उज्जवल भविष्य को अपने मुस्तकबिल को मजबूत करने से प्रगाढ़ करने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर और माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई देकर यहाँ कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन यहाँ देखिए हालात क्या हो चले हैं। और नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर्स यहां पर चलाए जा रहे हैं और 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स यहां पर संचालित होते हैं और इससे कहीं ज्यादा हैं लाइब्रेरीज। इन कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज में आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। तैयारी करने वाले हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आपके? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स हैं, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी भी 100 प्लस है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95% हर एक गली में, मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। 2500 3000 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर और एक सिंगल गेट रहता है। कमरे भी हैं कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं मतलब कि इधर मेन तो मेन बिल्डिंग इधर ही होगी। और अब बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन पीएम